students, in this video we shall learn how does the little busy bee. So I shall read, please listen carefully. How does the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? First stanza में कोई कहता है कि how does the little busy bee, dot does का old form, जिसमें कोई कहता है कि एक छोटी सी शहद की मक्खी जो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहती है, तो छोटी सी मसरूफ शहद की मक्खी क्या करती है? इम्प्रूव ई शाइनिंग आवर, वो अपने हर आने वाले घंटे को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव यानी कि इस्लाह करना, वो अपने हर आने वाले घंटे को इम्प्रूव करती रहती है। एंड गैदर हनी ऑल द डे, और दिन भर, ऑल द डे, दिन भर वो शहद को गैदर करती है, जमा करती रहती है। एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, और वो जो शहद जमा करती है तो कहाँ से जमा करती है? फ्रॉम ओपनिंग फ्लावर, हर खिलने वाले नए फूल से वो शहद जमा करती है। Now we shall see second stanza. How skillfully she weaves her sail, how neat she spreads her web, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. How skillfully she weaves her sail. Skillfully यानी बड़े महारत के साथ, कितनी महारत के साथ वो अपने सेल तैयार करती है। How neat she spreads her web, और wax, wax यानी जो मोम छत्ता होता है उसे wax कहा जाता है, तो वो किस सफाई के साथ में अपने छत्ते को स्प्रेड करती है, फैलाती है। एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल, और उसे जमा करने के लिए, उसको स्टोर करके रखने के लिए वो कितनी मेहनत करती है। विद द स्वीट फूड शी मेक्स, और इस तरीके से वो बड़ा अपनी मीठी गिजा, स्वीट फूड यानी कि मीठी गिजा को वो तैयार करती है, बनाती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पैरोडी का सेकंड पार्ट देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।